एक आयत की लंबाई वृत्त की त्रिज्या की तीन गुनी है। आयत की लंबाई वृत्त की त्रिज्या की कितनी है? 3/5 है। अगर त्रिज्या 5 है तो लंबाई कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। बात खत्म हो गई। सवाल कराया गया, वृत्त की त्रिज्या वर्ग की भुजा के बराबर, इसका क्षेत्रफल 6400 है। यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है 6400, है ना। तो वर्ग की भुजा कितनी हो जाएगी आपकी? 80 हो जाएगी। वर्ग की भुजा 80 होगी और ये त्रिज्या के बराबर है। जो वर्ग की भुजा है वो वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। जो वर्ग की भुजा है वो वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। यानी कि 5 की वैल्यू कितनी है? 80 कितने गुना? 16 गुना। इसकी लंबाई भी कितने गुना होगी? 16 गुना, यानी कि 48 होगी। ये आ गई आयत की लंबाई। और आयत की चौड़ाई कितनी दे रखी है? 15। हमसे पूछा गया इसका परिमाप, और परिमाप क्या होता है? लंबाई चौड़ाई के जोड़ का दुगुना। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 8 और 5 13, 63 आ जाएगा। 63 का दुगुना करेंगे तो 126 आएगा। यानी कि सर 126 हमारे क्वेश्चन का परम सत्य आंसर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? 126 हो जाएगा। यानी 126 हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर देखने को मेरे भाई मिलेगा। ठीक है,